सोलन शहर में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम सोलन द्वारा कुत्तों की नसबंदी करने के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें पशुपालन विभाग के चिकित्सा आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी अपने पालतू कुत्तों की नसबंदी करवा रहे हैं। जिला मुख्यालय सोलन में कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों सहित शहर आने वाले लोग परेशान रहते हैं। शहर के आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेते हैं। कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नगर निगम सोलन द्वारा कुत्तों की नसबंदी करने के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें पशुपालन विभाग के चिकित्सक आवारा कुत्तों को नसबंदी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी अपने पालतू कुत्तों की नसबंदी करवा रहे हैं। सिटीजाल से बात करते हुए नगर निगम कमिश्नर LR वर्मा ने बताया कि कुत्तों के आतंक से आगामी समय में सोलन के लोगों को निजात मिल सके, इसके लिए निगम द्वारा 3 दिनों तक कुत्तों की नसबंदी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ये है कि बेसहारा कुत्तों को लोगों की सुरक्षा हो सके व आने वाले दिनों में कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण लग सके। नगर निगम द्वारा 3 दिन का कुत्तों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें उनकी हेल्थ एंड हाइजीन और स्टरलाइजेशन की जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि शहर में बढ़ती हुई आबादी को थोड़ा सा रोका जाए, और जिस तरीके से ये हमें कंप्लेंट्स आ रही है कि लगातार इनकी आबादी बढ़ रही है, उसकी तरफ एक कदम है, एक प्रयास है, और ये लगातार 3 दिन तक हम जारी रखेंगे। निगम के लोग जो है इसमें असिस्टेंस कर रहे हैं, और इसमें NGOs द्वारा और जो एक्सपर्ट डॉग कैचर्स हैं उनका हम इनका कार्य इनसे ले रहे हैं, और हमारे लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, और जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं डॉक्टरों के लिए और दूसरे लोगों के लिए उसको हम मुहैया करा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से आग्रह किया है कि इसको हम लगातार जारी रखें, और चूँकि हम कैंप्स आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को करनी पड़ती है, लेट अस ही हम इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको लगातार जारी रखेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।